आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये हमारे सामने कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर में NONC कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये फोर पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। अब फोर पोल क्या होता है, मतलब इसमें हम चार वायर को यूज में ले सकते हैं। आपको दिख रहे होंगे फोर पोल, 1, 2, 3, 4, ठीक है, फोर पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। और इसके अंदर दो NO कॉन्ट्रैक्ट है और दो NC कॉन्ट्रैक्ट है। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसमें NO कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और NC कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर पे दिख रहा होगा, जैसे आप मैं यहाँ पे आपको विजिबल करूँ तो आपको यहाँ पे NO लिखा हुआ दिख रहा है, NO, और यहाँ पे लिखा हुआ NC, इस पे लिखा हुआ NC और इस पे लिखा हुआ NO। तो मतलब इसके अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट NO के हैं और ये पॉइंट NC के हैं, यानी बीच के दो NC के हैं। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जिसके सामने NC लिखा हो उसी के सामने NC वापस लिखा होगा नीचे भी, ठीक है। इसके सामने NO है तो इसके सामने NO, मतलब इसके दो पॉइंट तो NO के हैं और दो पॉइंट बीच के NC के हैं। तो दोस्तों आखिर ये NO और NC क्या होता है? तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपके सामने ये फेस बहुत आया होगा कि NONC क्या है, NO और NC। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये NONC का एक सिंबल बना देता हूँ जिससे भी आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों NO का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है NO का, ठीक है। और NO का एक और सिंबल भी बना सकते हो, यानी कहीं कहीं पे इस टाइप का सिंबल बना होता है और कहीं कहीं पे इस टाइप का सिंबल बना होता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब NC का सिंबल देखिए, तो NC का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है NC का और कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है NO का, ठीक है। ये NO का हो गया और ये NC का हो गया। तो NC को बोलते हैं दोस्तों हम नॉर्मली क्लोज, यानी NC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्मली क्लोज और NO की जो होती है वो होती है नॉर्मली ओपन। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये है क्या नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको हम सप्लाई देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ये ऐसे नीचे पुश हो जाता है। और जब ये नीचे पुश हो जाता है तो मतलब इसके अंदर जो मैग्नेट बनता है उस मैग्नेट से हमारी कॉइल डाउन हो जाती है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये NONC, ये आपस में उल्टे बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे डाउन कैसे होता है। तो इसके लिए अलग से और दो पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट तो अलग दिख ही रहा है आपको, NONC के पॉइंट, ये अलग पॉइंट है, पर इसके अलावा दो पॉइंट अलग होंगे जो इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए, यानी हम इसको दबा रहे हैं वो ऑटोमेटिक करने के लिए, तो उसको करने के लिए दो पॉइंट अलग होते हैं। वो आपको ये पीछे दिख रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो ये दो पॉइंट है। अब आप पूछोगे कि एक और ये पॉइंट किस चीज़ का है और इधर भी एक और ये पॉइंट किस चीज़ का है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस करने के लिए, यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर की एक किट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के दो पॉइंट है, एक A1 लिखा होता है और इस पर लिखा हुआ 220 वोल्टेज और इधर लिखा हुआ A2। तो इस A1 A2 के अंदर हमको हमारे 220 वोल्टेज देने, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्टेज देने A1 और A2 के अंदर। आपको एक चीज़ क्लियर करूँ सबसे पहली चीज़ कि A1 A2 के अंदर, किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर फेस A1 में दूँ या फेस A2 में दूँ या फिर न्यूट्रल इसमें दूँ या न्यूट्रल इसमें दूँ। तो दोस्तों ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फेस A1 में भी दे सकते हो, आप फेस A2 में भी दे सकते हो, न्यूट्रल आप A1 में भी दे सकते हो, न्यूट्रल आप A2 में दे सकते हो। AC सप्लाई जो होती है दोस्तों, AC करंट आपके घरों में जो हमारा करंट आ रहा है वो AC आ रहा है, अपनी इंडस्ट्री में सब जगह AC यूज हो रहा है, और DC जो होता है वो बैटरी से निकलता है। DC के अंदर कोई चीज़ सोचनी पड़ती है क्योंकि DC के अंदर फेस न्यूट्रल नहीं होता, DC के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। AC के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर ले लो, चाहे आपके घर के बल्ब ले लो, कोई भी इक्विपमेंट है उसकी इक्विपमेंट के अंदर कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। अगर वो सिंगल फेज है तो आप किसी के अंदर भी फेज जोड़ सकते हो, किसी के अंदर भी न्यूट्रल जोड़ सकते हो, अगर वो टू फेज है तो आप किसी में भी फेज जोड़ सकते हो कोई सा भी। तो दोस्तों कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा आपका इसके बारे में। अभी हम बात करते हैं दोस्तों NO और NC क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको A1 में फेज देता हूँ और A2 में न्यूट्रल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसके अंदर सप्लाई देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और डाउन होने की कंडीशन में क्या होगा, तो दोस्तों एक बार मैं चारों कॉन्ट्रैक्ट को मेरे पेपर में बना देता हूँ कि आखिर ये कैसे हैं। तो दोस्तों ये चारों कॉन्ट्रैक्ट मैं बना देता हूँ, तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें से दो कॉन्ट्रैक्ट तो NO है और दो कॉन्ट्रैक्ट NC है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक तो ये वाला आगे आगे वाला NO है, ये NC है, ये NC है और ये NO है, ठीक है। इसके सामने सेम लिखा हुआ है NO, NC, NC और NO, ठीक है, ये चारों कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि NO कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे इस पर NO कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर देता हूँ। अब दोस्तों NC कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लोज होता है, तो ये क्लोज कर दिया। ये NC कॉन्ट्रैक्ट है, ये NC कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, ये सिंबल है, इस सिंबल से आप समझ जाओगे। और ये क्या है, NO कॉन्ट्रैक्ट तो ये NO कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों जैसे ये ऑन होता है तो क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक कॉइल बनी होती है, यहाँ पे जैसे आप मानते हो कॉइल है, और इसके थ्रू ये सब चीज़ें जो ये प्लेट है ना, ये बीच वाली, ये तो फिक्स है, ये फिक्स प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ठीक है। पर इसके बीच में एक आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो
ये जो आवाज़ है ये वाली पॉइंट है, ये वाले, ये बीच वाले पॉइंट, तो ये आपस में मूव होते हैं जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं या फिर हम इसको मैनुअली दबाते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर एनो कॉन्टैक्ट है तो एनो कॉन्टैक्ट में मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे फेस दे रहा हूँ, यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ और यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ और यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ। इन चारों पॉइंट में मैंने यहाँ पे फेस दे रखा है, ठीक है, एक फेस दे रखा है। और मैं यहाँ पे क्या अभी टेस्टर लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसमें फेस आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट क्या आपस में एनसी है, तो ये अभी आपको सिंबल से दिख रहा है कि आपस में शॉर्ट हो रहा है, यानी ये और ये आपस में फिट रहा है। तो मेरा फेस यहाँ पे, मेरा टेस्टर चलेगा, इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, पर इन दोनों के अंदर नहीं चलेगा। इन दोनों में क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एनो है, एनो के अंदर हमारी अभी नॉर्मली ओपन है, ओपन कंडीशन में है, ठीक है, ओपन कंडीशन में, तो हमारा टेस्टर इधर नहीं चलेगा। और जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब मूवमेंट होएगा, यहाँ से इन चीज़ों को ये खींचेगी, यानी कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट के कारण ये कॉन्टैक्ट पीछे जाएंगे, तो ये जो एनो है ये एनो की पत्ती यहाँ पे बिट जाएगी, पत्ती यहाँ बिटने के कारण तो ये फेस है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फेस आ गया। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एनसी है, तो एनसी की कंडीशन में क्या होगा, वापस ये कॉन्टैक्ट खींचेगा और ये खींचेगा तो ये जो पत्ती है वो पत्ती यहाँ पे आ जाएगी। तो जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट में जो हमारी सप्लाई आ रही थी बंद कंडीशन में, वो यहाँ पे आना बंद हो जाएगी चालू कंडीशन में। ये भी एनसी है तो ये पत्ती भी पीछे आ जाएगी और यहाँ पे भी आना बंद हो जाएगा। और ये एनओ है, एनओ के अंदर वापस से हमारा वही होगा, ये पत्ती वापस खींचेगी और ये इधर क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे फेस सप्लाई आ जाएगी। तो दोस्तों एनओ के अंदर सिंपल सी बात है कि एनओ जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में है, यानी उसको हम कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहे, ना कि मैनुअल या फिर सप्लाई देके, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो ओपन रहेगा, ठीक है। यानी एनओ का मतलब ये दो कॉन्टैक्ट है, तो ये अभी इधर फेस दे रखा तो वो इधर नहीं पहुंचेगा नॉर्मल कंडीशन में। और जैसे ही मैं इसके अंदर मैनुअली या फिर इसको सप्लाई देके कॉन्टैक्ट कराऊंगा तो ये एनओ का एनसी हो जाएगा, मतलब मेरा यहाँ पे फेस पहुंच जाएगा। इसी तरह दोस्तों एनसी जो होगा, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्लोज होगा। मैं नॉर्मल कंडीशन में के अंदर क्लोज होगा तो बना देता हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन है, इस नॉर्मल कंडीशन में मैंने फेस यहाँ दे रखा तो यहाँ पे पहुँचता रहेगा। पर जैसे ही मैं इसके अंदर सप्लाई या फिर इसको मैं मैनुअल दबाऊंगा तो क्या होगा, ये फेस यहाँ पे जाना रुक जाएगा। तो ये फर्क होता है दोस्तों एनओ और एनसी के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपके कॉन्टैक्ट में एनओ एनसी क्या होता है इसके ऊपर कुछ डाउट क्लियर करे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और हो सके तो मैं इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।